नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। अपना इष्ट देव कैसे चुने उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ और वृश्चिक लग्न तक वीडियो मैंने बना दिया है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न के बारे में। उसके पहले मैं ये फिर रिपीट कर दूँ कि इष्ट देव चुना जाता है पंचम भाव से। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर रखने के लिए, जीवन में सुगमता से अपना पथ चलने के लिए इष्ट देव की आराधना काफ़ी अच्छी होती है, यानी फलदायी होती है आपके लिए। तो धनु लग्न के जातकों के लिए पंचम भाव में मेष राशि होती है तो आपका इष्ट देव होंगे बजरंगबली यानी हनुमान जी। जीवन में सफलता के लिए, सुगमता के लिए, सुख समृद्धि के लिए आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनको अपना इष्ट मान के मंगलवार का उपवास करें, एक वक्त का भोजन का उपवास आप करें तो जीवन में आने वाली बहुत सी तकलीफें आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई, और वो आएंगी ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आने भी वाली थी। सीधे शब्दों में कहें तो इष्ट मजबूत अगर होता है आपका तो आप जीवन में आने वाली तकलीफों से लड़ने में ज़्यादा सक्षम होते हैं, आप आने वाली तकलीफें और दुख को सहन करने में कामयाब होते हैं। क्योंकि जीवन सुख दुख का मिला जुला रूप होता है, दुख या तकलीफ आएगी ही नहीं जीवन में, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आपका इष्ट अगर मजबूत रहे तो तकलीफ सहने की शक्ति आपकी बढ़ जाती है, आपका इष्ट आपको बचा लेता है। तो धनु लग्न के जातक मंगल देव को यानी हनुमान जी को अपना इष्ट मानकर चले, मंगल का मंत्र जाप करें, एक माला मंत्र जाप कम से कम मंगलवार के दिन कर लें। आत्मबल के लिए, आत्मविश्वास में वृद्धि के लिए धनु लग्न के जातक भगवान विष्णु की पूजा करें, सत्यनारायण कथा करवाएं महीने में एक बार। और भाग्योन्नति के लिए, उच्च शिक्षा में सफलता के लिए आप सूर्य देव की उपासना करें। और सबसे बेहतर हो अगर धनु लग्न के जातक सूर्योदय के पहले उठकर स्नान करके सूर्य नमस्कार करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें तो उनका जीवन ज़्यादा सफलतादायक रहेगा। लेकिन सिर्फ इष्ट देव की अगर बात है तो आपका इष्ट देव है बजरंगबली हनुमान जी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।